हाय फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवीटी मैक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो हम पीलीभीत से मैलानी ट्रैक की नई और ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं दोस्तों। और ये पूरनपुर से 7 किलोमीटर आगे पहला हाल्ट पड़ता है दोस्तों, मैलानी की दिशा में जाते हैं। इस हाल्ट का व्यू लेकर आए हैं, साथ ही साथ दोस्तों इस रोड पर होने वाले काम की सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत और अद्भुत अमेजिंग पेंटिंग और दोस्तों कुदरती खूबसूरती का साथ साथ नज़ारा इस हाल्ट पर दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों, नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ दोस्तों पेंटिंग से और कलाकृतियों से इस हाल्ट को सजाया गया है दोस्तों, इसी का वीडियो हम लेकर आए हैं। ये देखिए इसका टीन शेड दोस्तों, कितना खूबसूरत और कितना अच्छा बनाया गया है इस हाल्ट का दोस्तों। पीलीभीत से मैलानी के ट्रैक पर इज्जत नगर डिवीज़न में जितने भी दोस्तों हाल्ट और स्टेशन आते हैं दोस्तों, वहाँ के प्लेटफार्म और हाल्ट और स्टेशनों के सब कुछ दोस्तों अच्छे और खूबसूरत बनाए गए हैं बमुकाबले और डिवीज़नों के जो इस रोड पर पड़ती हैं दोस्तों। फिलहाल ये देखिए इसका जो प्लेटफार्म है, हाई लेवल का प्लेटफार्म दोस्तों बनाया गया है और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर टाइल्स भी लगाई गई है। लेकिन दोस्तों यहां पर अभी टीपीएम मशीन का वर्क नहीं हुआ है, लेकिन आज दोस्तों मैलानी से और सेरामऊ की दिशा में दोस्तों टीपीएम मशीन वर्क करने के लिए निकली है। अगर आप उसकी वीडियो हमें बनाकर भेजना चाहें तो हमें वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परमानेंटली मौजूद रहता है। हमारा नंबर है 9837290507। रेलवे के किसी वर्क से रिलेटेड आप हमें वीडियो बनाकर भेज सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर अभी टीपीएम मशीन का वर्क बाकी है, सेरामऊ से मैलानी के बीच में जितना भी टीपीएम मशीन का वर्क बाकी है उसकी वीडियो आप हमें बनाकर दीजिए। देखिए दोस्तों कितने खूबसूरत और कितनी यात्री सुविधाओं का अच्छी तरीके से इंतज़ाम किया गया है। प्रसादपुर हाल्ट है ये, और ऐसे ही हाल्टों की अगर खूबसूरत आप अपने वीडियो भेजना चाहें तो वीडियो भेज सकते हैं दोस्तों। प्रसादपुर हाल्ट की वीडियो हम लेकर आए हैं। और जो ट्रेनों का संचालन दोस्तों किया जाएगा वो हमारे हिसाब से दोस्तों हमें संभावना नज़र आ रही है, जो सेरामऊ से और मैलानी के बीच में दोस्तों ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, क्योंकि पीलीभीत से और माला के बीच का एनओसी का मसला अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। जब भी आएगा अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर किसी अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।